फ्रेंड्स, मैं हूं अमृता मिश्रा और amritamishra.com में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रही हूं रवा ढोकला यानी सूजी का ढोकला। ये बनाना बहुत ही आसान है और ये बहुत ही हल्का होता है, लाइट होता है, तो हमारी सेहत के लिए भी बहुत ही अच्छा है। रेसिपी बताने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज आप वीडियो को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। चलिए हम बताते हैं कि हमारा रवा ढोकला या सूजी का ढोकला कैसे बनेगा। रवा ढोकला बनाने के लिए हमने लिया है 1.5 कप सूजी लिया है तो हमने 1 कप दही लिया है। ये रेशियो आपको याद रखना पड़ेगा। हमने 1.5 कप सूजी लिया है तो 1 कप हमने दही लिया है, 1 चम्मच हमने बेकिंग पाउडर लिया है, 1 चुटकी हमने बेकिंग सोडा लिया है, 2 ग्रीन चिलीज थी उसको हमने पेस्ट उसका तैयार कर लिया है, 1 चम्मच हमने राई का लिया है तड़के के लिए, 2-3 हरी मिर्च ली है खड़ी, वो भी तड़के के लिए लगेगी, नमक स्वाद अनुसार हमें लगेगा, 1 इंच जिंजर है जिसको हमने ग्रेट कर लिया है, कस लिया है, और 3 टेबलस्पून ऑयल। सबसे पहले हम एक बड़ा बाउल लेंगे, उसमें अपनी सूजी डाल देंगे, इसको रवा भी कहते हैं, दही डाल देंगे और इसको अच्छे से पहले मिक्स कर लेंगे। इसमें दही मैंने मिक्स कर दी है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि देखिए कितना गाढ़ा हो चुका है ये, तो अभी हम इसमें पहले 1 टेबलस्पून ऑयल डाल देंगे, कोई भी वेजिटेबल ऑयल आप ले सकते हैं, जो ग्रेटेड जिंजर था वो डाल देंगे और ग्रीन चिली का पेस्ट डाल देंगे इसमें, और थोड़ा पानी डाल के अब हम इसका गाढ़ा घोल तैयार कर लेंगे। बहुत ही गाढ़ा घोल हमें तैयार करना है, पानी आप डालते वक्त ये ध्यान दीजिए। ये देखिए मैंने इसका एकदम अच्छे से गाढ़ा घोल तैयार कर दिया है, आपको इसको खूब अच्छे से चलाना है कि इसमें कोई भी लम्स ना रह जाए, ऐसे ही आपको एक बार चेक कर लेना है बहुत ही अच्छे से चला के। ये देखिए इसका ऐसे ही गाढ़ा घोल है। अब हम इसको ढक के रख देंगे 20 मिनट के लिए, क्योंकि सूजी अभी ये दही पानी सब एब्जॉर्ब करेगा, तो 20 मिनट के लिए अभी हम इसको ढक के रख देंगे। 20 मिनट हो चुका है, ये देखिए सूजी हमारी बहुत ही गाढ़ी हो चुकी है क्योंकि इसने वो फूल गई है अच्छे से, तो इसलिए हमें इसमें थोड़ा सा पानी और डालना पड़ेगा। लेकिन सबसे पहले हम अपने जो स्टीमर है वो तैयार कर लेंगे, क्योंकि बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर डालने के बाद ये प्रोसेस हमें बहुत जल्दी करना पड़ेगा, तो पहले हम अपनी वो स्टीमर तैयार कर लेते हैं। ये देखिए स्टीमर मैंने, कोई भी आप बर्तन लीजिए उस पर जो दूध का स्टैंड होता है या कोई भी स्टैंड होता है, या तो आप अगर आपके पास ये भी नहीं है तो एक कटोरी में पानी भर के भी रख सकते हैं तो वो भी टिका रहेगा। ये देखिए ऐसे ही मैंने अपना स्टीमर तैयार कर लिया है, आप चाहे तो कढ़ाई में भी ऐसे ही कर सकते हैं, कोई भी आपके पास जो बड़ा वेसल है ऐसे ही बहुत आसानी से ये सब चीज़ें हम घर में ही बना सकते हैं, इसके लिए कोई भी स्पेसिफिक यूटेंसिल की ज़रूरत नहीं रहती है। अब हम इसको पानी में अच्छे से बॉयल आने देंगे। अब उसके बाद जिसके ऊपर हमें अपना ढोकला डालना है, जिसके अंदर वो बर्तन हम तैयार कर लेंगे, तो इसको हम अच्छे से ग्रीस कर लेंगे ऐसे लेके, अब हम इसको ग्रीस कर लेंगे। आपके पास कोई भी जो गहरा वेसल है आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए अब हम इसको अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। सारा प्रोसेस मैंने इसलिए अपना स्टीमर तैयार कर लिया था, बर्तन तैयार कर लिया था, क्योंकि ये जो प्रोसेस है बेकिंग पाउडर और सोडा डालने के बाद वो उसके बाद हमें तुरंत उसको स्टीमर पर रख देना है, वरना ये हमारा फूलेगा नहीं अच्छे से, तो इसीलिए हम इसको ये प्रोसेस हमें बहुत ही जल्दी करना पड़ेगा। नमक आप ले ले, स्वाद अनुसार आपको नमक लेना पड़ेगा। अब पहले इसमें पानी भी हम अच्छे से चेक कर लेंगे। ये देखिए पानी हमें इसका ऐसा बनाना है जैसे इडली या डोसा की बैटर की कंसिस्टेंसी रहती है, वैसा हमें इसको अच्छे से पहले बना लेना। ये देखिए पानी डाल के मैंने इसको ठीक कर दिया है, ये एकदम इडली या डोसे के बैटर की कंसिस्टेंसी, ये देखिए यही कंसिस्टेंसी रहेगी हमारी। अब हम इसमें ये प्रोसेस हमें थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा, बेकिंग सोडा डाल देंगे, 1 चुटकी डालना है, 1 चम्मच बेकिंग पाउडर डालना है। अब इसको अच्छे से हमें मिक्स कर देना है जल्दी जल्दी। अब हम इसको अपने बेकिंग टिन में पोर कर देंगे अच्छे से। देखिए हमने इसको बेकिंग टिन में डाल दिया है, एक बार इसको पैक कर देंगे अच्छे से कि ये थोड़ा समतल हो जाए। अब हम इसको स्टीमर में रखेंगे। ये देखिए स्टीमर हमारा तैयार है, फ्लेम हाई थी, अब हम इसको रख देंगे इससे संभाल के। ये देखिए अब हम इसको क्या करेंगे, ढक देंगे 20 मिनट के लिए, इसको मीडियम फ्लेम पे पकने देंगे। अब हम इसको पहले ढक देंगे अच्छे से, 20 मिनट हो गया है, अब हम इसका ढक्कन हटा देंगे और इसको एक बार नाइफ से चेक कर लेंगे। नाइफ हमारी एकदम अच्छे से साफ निकल के आ रही है, यानी कि हमारा ढोकला अच्छे से पक गया है। अब हम इसको क्या करेंगे, ठंडा होने देंगे थोड़ा, वरना ये ब्रेक हो जाएगा, तो अब हम इसको 15 से 20 मिनट के लिए ठंडा होने देंगे। ये देखिए ढोकला हमारा अच्छे से ठंडा हो गया है, अगर ये गर्म रहेगा तो ये ब्रेक हो जाएगा, इसीलिए हमें इसे अच्छे से ठंडा कर देना है। अब चाकू से लेके इसकी साइड्स ऐसे ऐसे आप कर देंगे तो ये बड़े ही आराम से निकल जाएगा। ये देखिए साइड से मैंने इसको चाकू से ऐसे कर दिया था, अब इसको फ्लिप कर देंगे एक प्लेट के ऊपर, ऐसे ऐसे टैप कर
करेंगे कि जिससे आराम से निकल जाए। ये देखिए कितना स्पॉन्जी, आप इसका स्पॉन्ज देख रहे हैं, कितना ज़्यादा अच्छा हमारा ये ढोकला बना है। एक बार मैं आपको और स्पॉन्ज इसका दिखाना चाहती हूँ। ये देखिए बिना इनो के कितना अच्छा है। इनो से क्या रहता है कि टेस्ट इसका थोड़ा सा बेटर आने लगता है। इससे क्या बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडे के कॉम्बिनेशन से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इसमें। और ये देखिए कितना अच्छा ये फूल के तैयार हुआ और ये बहुत अच्छा हेल्दी भी है। अब हम इसको कट कर लेंगे और उसके बाद अपना तड़का तैयार करेंगे। अब हम अपना तड़का तैयार कर लेंगे। तड़के के लिए हम इसमें 2 टेबलस्पून ऑयल लेंगे और इसको अच्छे से तेल को गर्म होने देंगे। तेल हमारा गर्म हो चुका है, अब हम इसमें राई डालेंगे, स्प्लटर होने देंगे इसको। अब हम इसमें अपनी हरी मिर्च लेके डाल देंगे। मिर्च आपको संभाल के डालनी पड़ेगी, और अगर आप चाहें करी के पत्ते का टेस्ट आपको पसंद है तो करी का पत्ता भी डाल सकते हैं। अब गैस बंद कर देंगे और ये तड़का लेके अपने ढोकले पे हम डाल देंगे। देखिए ढोकले पे हमने तड़का लगा दिया है। अब इसको थोड़ी सी धनिए की पत्ती से गार्निश कर देंगे। ये बहुत ही टेस्टी लगता है, बहुत ही अच्छा हेल्दी ऑप्शन है ब्रेकफास्ट के लिए। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ आप वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ओके बाय।